ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नए साल की नई शुरुआत के साथ हमीरपुर के जानी मानी सूरज स्वीट के द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए हमीरपुर के माल रोड के बीचों बीच नई दुकान का उद्घाटन कर दिया गया है, जिसमें ग्राहकों के लिए मिठाई के साथ साथ लजीज व्यंजन और गर्मा गर्म व्यंजन और फास्ट फूड का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही स्पेशल थाली की भी शुरुआत की गई है, जिससे मात्र 70 रुपए में ग्राहक भर पेट खाना खा सकेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, एस टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका, कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ। आज हम आए हैं सूरज स्वीट में। सूरज स्वीट को कौन नहीं जानता है? आज की डेट में सूरज स्वीट को हर कोई जानता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे जो वृद्ध हो, कोई भी हो, हर कोई जानता है सूरज स्वीट को। जिस तरह से इन्होंने और बाकी की दुकान खोली हैं, वैसे ही शहर के बीचों बीच गांधी चौक के कुछ ही दूरी पर इन्होंने एक और दुकान जो है वो खोली है। तो हम वहीं पे आए हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने ग्राहकों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल गर्म जो है, गर्मा गर्म टिक्की और समोसे और जलेबियाँ वगैरह जो हैं वो बन रही हैं एकदम से फ्रेश और गर्मा गर्म। आप जब चाहे आपके लिए अवेलेबल हैं ग्राहकों के लिए। यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं और भी आइसक्रीम्स वगैरह। जैसे गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में बच्चे जो हैं बहुत पसंद करते हैं आइसक्रीम वगैरह लेना, तो वो भी हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पर हर एक प्रकार की मिठाई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इलायची पेड़ा है और भी काफ़ी हैं, देसी बर्फी है और भी काफ़ी, छेना मुर्गी और भी बहुत अच्छी अच्छी जो आइटम्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे सजा के रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं इनको और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आई होप कि आपको भी इनको देख के मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट्स रखी हुई हैं, केक हैं, पेस्ट्री हैं। पेस्ट्री और केक और चॉकलेट्स जो बच्चे जो हैं बहुत ही पसंद करते हैं बर्थडे के लिए, उनके बर्थडे के लिए स्पेशल बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए जो बहुत पसंद करेंगे लोग, आई लव यू वाला भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है और आकर्षक भी दिख रहा है। और इन्होंने एक ये ट्रे सजाई हुई है, ये भी इसमें आई थिंक चॉकलेट्स हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में। ये देखिए आप यहाँ पे ये जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे से, जैसे आप किसी का बर्थडे हो तो आप उसको बर्थडे पे दे सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। और यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है इसमें, आई लव यू लिखा हुआ है, आई लव यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। और भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, जो मैरिड कपल हैं वो बहुत पसंद करेंगे इसको लेने के लिए। और भी यहाँ पे बेकरी की आइटम्स भी हैं यहाँ पे बर्थडे के लिए, और भी कैप्स वगैरह रखी हुई है इन्होंने। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गजरेला है, गाजर का हलवा, और साथ में गुलाब जामुन है गर्मा गर्म, साथ में रस मलाई भी है नीचे आप देख सकते हैं इसको, और स्पंजी रसगुल्ला भी है, बहुत ही टेस्टी होता है ये बहुत। तो यहाँ पे वार्ड नंबर 6 के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ पे कौन सी जो डिश है वो बहुत पसंद है। नमस्कार सर। सूरज रेस्टोरेंट की जो सारी मिठाइयाँ जितनी भी डिशें हैं सब बहुत मशहूर, और इस माल रोड में इस दुकान की बहुत ज़रूरत थी, जो हमें पीछे 2-4 दिनों में इन्होंने हमें इस मार्केट में दुकान खोल के पूरे माल रोड के जो दुकानदार हैं उससे खुश हैं। और इनकी जो भी आइटम है शुद्ध और साफ़ सफाई देखने लायक है, और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट इन्होंने खोला है। आप, मैं सभी लोगों से विनती करता है ज़रूर आइए और यहाँ पर मिठाइयों का आनंद लीजिए। ओके थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी बात बोली। यहाँ पे थी नहीं यहाँ पे कोई भी शॉप तो मिठाई की, तो अब यहाँ पे खुल गया, तो आई होप लोगों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी। नमस्कार सर। सर आपने क्या सोचा, क्या सोच के यहाँ पे शॉप खोली आपने? ये बड़े लंबे अरसे से चली आ रही थी मांग, हमारे को सब बाज़ार वाले बोल रहे थे कि आप माल रोड पर दुकान की जरूर होनी चाहिए, जरूर होने। फिर हमने सब लोगों से जैसे जो डिमांड कर रहे थे उनको बोला भाई दुकान प्रोवाइड कराइए, फिर चलो मालिक की दया से ये दुकान मिली, हमारे को शॉप मिली, काफ़ी बड़ी शॉप है, नीचे बैठने की जगह है, बाहर है जगह लगाने की। ये हमारे 6 नंबर के प्रधान जी हैं, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है,
दुकान खोलने में, और उन्होंने दिन रात हमारे साथ खड़े होकर काम करवाया। तो सारे बाज़ार को भी ये शौक था, एक्साइट से सारे बाज़ार वाले भी, और प्रधान जी तो खास करके सबसे ज़्यादा एक्साइट से भी, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी खुले। तो हमने कोशिश की, अब बाकी लोगों को ये सुविधा बाज़ार में हो गई, अब माल रोड में ये चीज़ नहीं थी तो हो गई। अब आप बाकी आप लोग देखते हैं, आपके आज टुडे चैनल वाले बाकी सब न्यूज़पेपर वालों ने भी काफ़ी प्रशंसा की है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका थैंक यू। यूँ समझ लीजिए कि नए साल की नई शुरुआत है ये, तो सर आपने नए साल की नई शुरुआत पे क्या खास बनाया है यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी हमने फास्ट फूड की बहुत सारी आइटमें की हैं, जो चीज़ें पहले हम लोग वहाँ अपनी शॉप वहाँ पे जो चारों शॉप पे नहीं है वो हमने फास्ट फूड में बहुत आइटमें की है, साउथ इंडियन, चाइनीज, ये सभी आइटमें, और बैठने की हमने जगह नीचे बनाई है। और सबसे अलग बात ये है कि थाली स्टार्ट कर रहे हैं खाने की, जो कि एक 70 रुपये की थाली होगी जिसमें 2 सब्जियाँ होंगी, और दिन में 12:30 से लेके 3:30 बजे तक चलेगी। वो सब लोगों की डिमांड थी यहाँ की, स्पेशल एक थाली ज़रूर होनी चाहिए खाने की, राइस और 2 सब्जियाँ होंगी। तो ये स्पेशल थाली भी स्टार्ट करें यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे खाना चाहें एनी टाइम यहाँ पे आ सकते हैं। टाइमिंग क्या बताई सर आपने? खाने की टाइम 12:30 से 3:30 बजे तक, मतलब लंच टाइम जो है सर, लंच टाइम में आप जब मर्जी यहाँ पे आ सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने की है, और अब हम ग्राहकों से ही जान लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या खाना पसंद करते हैं और कितने टाइम से वो यहाँ पे आ रहे हैं। वो तो दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग प्लान कितना सुंदर है, देखने में ही इतना मज़ा आ रहा है। तो आई होप आप यहाँ पे आके खूब इंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, यहाँ पे आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कौन सी डिश है जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप? आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमने जो ट्राई किया अच्छा है। ये फर्स्ट टाइम आए हैं ये यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा सर, आप बताएंगे हमें? जी हाँ, फूड ये काफ़ी टेस्टी है यहाँ का, तो इनको काफ़ी पसंद आ रहा है, जो फास्ट फूड ये खा रहे हैं वो बहुत पसंद आ रहा है। नमस्कार मैम, आप हमें बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, जो भी हमने ऑर्डर किया था, और टेस्टी है, और बार बार आना पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि यहाँ पे इनको बहुत पसंद आया ये, और ये बार बार यहाँ पे आना पसंद करेंगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो भी इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था वो बहुत ही अच्छा लगा इनको। नमस्कार सर। हाँ क्या सर, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हम तो आज पहली बार आ रहे हैं। ओके, ये भी यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे यहाँ पे? अभी तो हम गुलाब जामुन ऑर्डर किए हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। ओके, मतलब ये अभी टेस्ट करने वाले हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इनको कैसा लग रहा है। जल्दी लेके आइए, क्या कितना टाइम लगेगा आपको लाने में। तो दर्शकों यहाँ पे माल रोड पे जो सूरज स्वीट की एक नई शॉप खुली है, उसमें आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे खाना फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको बहुत पसंद आया है यहाँ पे खाना। आई होप कि आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो भी खाने की चीज़ें हैं वो कैसी मिलती हैं। थैंक यू। तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ पे कुछ और कस्टमर हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनके व्यूज क्या हैं इसको लेके, ये जो दुकान नहीं खुली है इसको लेके क्या कहेंगे ये लोग। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, यहाँ पे बीच बाजार में नई दुकान खुली है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये दुकान हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीच बाजार में कोई ऐसी दुकान नहीं थी, और इनकी जो मिठाइयाँ हैं बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बाज़ार में आते हैं उनके लिए भी और सबके लिए बहुत अच्छा है, बड़ी रौनक है इस दुकान को खुलने से, और सबके लिए बहुत ही अच्छी। आप कितने सालों से इस दुकान से जुड़े हैं, जो बाकी की इनकी दुकान है उनसे? 5 साल के करीब। ओके मैम, आप 5 साल से जुड़े हैं, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी डिश है जो आप बहुत खाना पसंद करते हैं यहाँ की? मैं तो अभी भी ढोकला ले रही हूँ और ये मैं बहुत खाती हूँ। ओके मैम को ढोकला बहुत पसंद है, वही ऑर्डर कर दो, कि अगर ऑर्डर तो कर दिया है मैम ने, पैक कर दो जल्दी से। तो हम यहाँ पे जो काउंटर पे मैम हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने नए साल की शुरुआत के साथ साथ क्या नया शुरू किया हुआ है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नए साल की शुरुआत के साथ, वैसे तो आपने दुकान की शुरुआत की है, तो उसके साथ साथ खाने में क्या शुरू किया आपने नया? खाने में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल बनाया हमने डिफरेंट टाइप के, जो दूसरी दुकानों पे भी
बाद में हमने इंट्रोड्यूस किए, पहले यहाँ पे किए। यहाँ की स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी में यहाँ पे चाइनीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि बाकी दुकानों में उसकी मतलब क्वांटिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा चलेगा हमारे हिसाब से। और दूसरा ये है कि हमने इसे यहाँ पे इसलिए खोला है क्योंकि कस्टमर डिमांड थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम जितना कस्टमर के नज़दीक पहुँच सकें हम उतनी कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो नए साल का थीम है कि अच्छे से अच्छे, पहले से तो थे लेकिन जैसे कि हम बाज़ार से थोड़े कटे हुए थे लेकिन अब हम बाज़ार के बीच में आ गए हैं। ओके, बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने कि कस्टमर तक पहुंचने के लिए इन्होंने ये नई दुकान खोली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो भीड़ है वो देख सकते हैं आप बाज़ार में कि बहुत लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, ऊपर जा रहे हैं, गांधी चौक पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, बस स्टैंड से, बस स्टैंड पर भी है इनकी शॉप, बट वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इनकी जो सर्विंग थी बहुत ही अच्छी थी। बट यहाँ पे जो है इन्होंने साथ में अलग से बैठने के लिए भी अवेलेबल है, जो कस्टमर है वो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आई होप हो जाए इन बच्चों के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए। किस तरीके से अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं, आप सब देख रहे हैं।